पंच पदवी विधीनां जीनं पञ्चन्दुष्टा पञ्चशा पञ्चमा युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे दुभर्षी नारद जी, मेरे जैसे गृह आशक्त व्यक्ति को किस विधि से सहज रूप में ही यह मोक्ष पदवी प्राप्त हो सकती है, आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी समस्त आश्रम के बारे में बोलने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज नारद ऋषि के ये प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, दैन करके कह रहे हैं, मैं जैसे गृह आशक्त व्यक्ति को जिस विधि से सहज रूप में ही यह मोक्ष पदवी प्राप्त हो सकते हैं, आप कृपा करके मुझे वह विधि बतलाइए। जगत जीव को शिक्षा देने के लिए युधिष्ठिर महाराज यह प्रश्न कर रहे हैं। नारद उवाच, ग्रीष्मवस्ति राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षाद सुपासित महान मुनि। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, मनुष्य गृह आश्रम में रहकर प्रतिदिन गृहस्थ आश्रम के अनुसार सभी कार्य करें, किंतु उन्हें निष्काम भाव से भगवान को समर्पण कर दें और संत महात्मा की सेवा करें। क्या करना चाहिए? समस्त कार्य आदि करके विश्व में समर्पित कर दो। इदं सर्वं कर्म फलं विष्णु समर्पित। और संत महात्मा की सेवा करें। प्रतिदिन अवकाश काल में भगवत भक्त का संग करें और भगवान तथा भगवान की अमृत स्वरूप अवतार कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते करते इस नाशवान शरीर एवं स्त्री पुत्र आदि के संग को उसी प्रकार छोड़ता चले जिस प्रकार जागने पर मनुष्य स्वप्न में आसक्ति छोड़ देता है। कैसे? प्रतिदिन भक्तों के संग करें। अपने कार्य आदि के समय जब मिल जाए और फिर उस समय क्या करें? भक्त के संग करें। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, व्यवसाय वाणिज्य करते हैं, उसमें कुछ समय निकाल करके क्या करना चाहिए? सत्संग में करें। और धीरे धीरे सब प्रकार के आसक्ति जो है छोड़ देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक के अनुसार ही संग्रह करें, अधिक नहीं। हृदय से देह और गृह से विरक्त रहें तथा बाहर से आसक्ति के समान लोगों के साधारण मनुष्य के ऐसा ही व्यवहार करें। जीवन निर्वाह के लिए जितने आवश्यक अनुसार वह संग्रह करें,
और क्या करना चाहिए, विषयी लोगों से क्या करना चाहिए, दूर रहे। अथवा वो विषय लोग के केवल व्यावहारिक काम करते रहे, व्यावहारिक कार्य करते रहे। ऑफिस तो जाना है, काम तो करना है, तो विषय लोग के साथ उतना ही करें जितना हमारा कार्य हो, काम हो बस। भाई बंधु माता पिता पुत्र मित्र सुहित ज्ञाति संबंधी और अनान्य व्यक्ति को कुछ कहें अथवा इच्छा करें तो मन में उससे ममता आसक्ति न रखकर उनका अनुमोदन करता रहे। वर्षा आदि से उत्पन्न धनादि भूमि से प्राप्त स्वर्ग आदि अकस्मात प्राप्त धन आदि तथा आकाश से परे जो कुछ भी उपलब्ध हो वह सब भगवान को दिया हुआ बुद्धिमान गृहस्थ ऐसे समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनको स्वीकार करके केवल प्राण धारण के लिए ही संचय करें। बाकी वस्तुओं पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कार्य में लगा दे। गृहस्थ के क्या करना चाहिए, थोड़ा संचय भी करना चाहिए, संचय समझते हो, सेविंग करना चाहिए, क्योंकि विपद आपद काल में जरूरत होता है। जितने धन से उदर पूर्ति हो जाए उतने धन पर ही देह आदियों का अधिकार है, उससे अधिक आशंका करके जो उसका स्वामी बनता चाहता है वह चोर और दंड के योग्य है। जितना हमारे शरीर के लिए जरूरत है उतना ही ले ले, और अधिक लेने से क्या होता है ना, उससे दोष लगता है, इसलिए कहते हैं उससे अधिक आशंका करके जो उसका स्वामी बनता बनना चाहते हैं वह चोर और दंड के जुग को बन जाता है। हिरण ऊंट गधा बंदर चूहा वर्ष सर्प पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान समझना चाहिए, क्योंकि इनमें भी पुत्रादि में अंतर ही कितना है, है? सभी के प्रति समान आदर रखे। गृहस्थ व्यक्ति को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए कष्ट साध्य प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु कम परिश्रम से देश काल के अनुसार और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें ही जीविका निर्वाह करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। भगवत इच्छा से जितना ही प्राप्त हो जाए मिल जाए उससे ही संतुष्ट रहें। अपनी भोग्य वस्तुओं के कुत्ते पतित और चंडाल व्यक्ति को यथाजुग बांट देना चाहिए। अपनी स्त्रियों की भी जिससे मनुष्य अत्यधिक ममता रखता है अपनी सेवा में न लगाकर अतिथि निर्दोष सेवा में नियुक्त कर देना चाहिए। सबके सेवा में लगाओ, जिस स्त्री के लिए मनुष्य अपने प्राणों का त्याग कर डालते हैं और जिसके कारण अपना पिता और गुरु भी हत्या कर देते हैं, उस स्त्री के प्रति जितने ममता का परित्याग कर दिया उसे स्वयं भगवान के ही जीत लिया है, जीत लिया। इस संसार में लोग क्या करते हैं, धन आदि प्राप्त करने के लिए किसी को भी मार भी देते हैं। यहां भी कह रहे हैं
अपने पिता और गुरु के भी हत्या कर देते हैं। यह सदा सर्वदा याद रखना चाहिए, यह शरीर अंत में कीड़ा विष्ठा या राख की ढेर में ही बदल जाएगा। कहां तो यह तुच्छ शरीर और जिसके कारण स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, कहां उसका शरीर और कहां उनकी महिमा द्वारा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली अत्यंत अनंत आत्मा है। इस संसार में लोग सबसे किससे अधिक आसक्ति हो जाते हैं? स्त्री में आसक्ति हो जाता है, इसलिए स्त्री के लिए सबको त्याग दे देते हैं। अपने माता पिता भाई बंधु के सब त्याग देते हैं, किसके लिए? स्त्री के लिए। इसलिए कह रहे हैं स्त्री को क्या करो, भगवत सेवा में लगाओ। तुम्हारे भोग्य वस्तु नहीं है वो, किंतु यह सदा सर्वदा समझना चाहिए ये शरीर की अंतिम परिणति क्या है, राख बन जाएगा, राख के ढेर बदल जाएगा, जला दिया तो राख के ढेर बदल जाएगा और मिट्टी में दफन दिया तो क्या हो जाएगा, कीड़ा आदि खा करके विष्ठा आदि में परिणत कर देंगे। जो बुद्धिमान गृहस्थ देव वश प्राप्त और पंच जगादि से बचे हुए अनादि के द्वारा अपने जीविका निर्वाह करता है और उसके अतिरिक्त धन सभी वस्तुओं के सत्व का त्याग कर देता है, वह महात्मा की पदवी भी प्राप्त कर लेता है। देखो जो बुद्धिमान गृहस्थ है वो क्या करते हैं, भगवत सेवा और जग्गा आदि में अन्न आदि जग्गा आदि के द्वारा जग के फलस्वरूप भगवान विष्णु और भक्त को दान दे देते। और अपने धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्ति रख करके अंत काल में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वही महात्मा की पदवी प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ के चाहिए कि वह अपनी वर्ण आशोभूषित वृत्ति से उपार्जित धन द्वारा प्रतिदिन पृथक पृथक रूप से देवता ऋषि मनुष्य भूत पितर तथा अपनी आत्मा को संतुष्ट करे, वह सबके हृदय में व्याप्त सर्वांतर्जामी परमात्मा की भिन्न भिन्न रूप से आराधना है। ये भी कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के ठीक से पालन करें और हर रोज पृथक पृथक रूप से देवता ऋषि मनुष्य भूत पितर आदि अपने आत्मा को संतुष्ट करें, सबको दे। जैसे देखते हैं ना कुछ लोग होता है हाथ में कुछ सुबह एक मुट्ठी चीनी लेकर, चीनी है ना सुगात, चीनी लेकर के चल करके चिट्टियों को खिलाते रहते, कोई कुछ लेते हैं दाना ले लेते हैं कबूतर को खिलाते हैं, जिस समय गृहस्थ व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार प्राप्त अर्थादि के यज्ञ सामग्री उपलब्ध हो जाए, उसमें उसे वैतानिक अथवा प्रामाणिक शास्त्र के विधि के अनुसार परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य अग्निहोत्रादि यज्ञ करनी चाहिए। देखो गृहस्थ के लिए क्या करना चाहिए, अग्निहोत्र यज्ञ आदि करने चाहिए। कहते ना कम से कम शास्त्र में तो लिखा था हर रोज यज्ञ करना चाहिए, हर रोज नहीं करो कम से कम महीने में एक बार करो, महीने में एक नहीं साल में तो एक बार कर सकते हैं। घर में यज्ञ
अग्निहोत्र आदि करने पर गृह पवित्र होता है। कम से कम गृह में साल में तो एक बार अति अवश्य ही क्या करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। हे राजन, समस्त यज्ञ को भोक्ता भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के मुख से विषान्न घी एवं अन्न से बने हुए व्यंजन अर्पण करने से जिस प्रकार तृप्त होते हैं, उतना ही तृप्ति उन्हें यज्ञाग्नि के मुख में डाली गई घी आदि के आहुति के प्राप्त करके नहीं होते। देखो यहाँ पर कहते हैं यज्ञ आदि करने से क्या होता है, स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञ भाई विष्णु शाश्वत, वैष्णव लोग जो यज्ञ करते हैं देखिए क्या कहा जाता है, विष्णु यज्ञ कहा जाता है। इस विष्णु यज्ञ में जो हवन आदि करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः सर्वथम ब्रह्मचार्य ब्राह्मणों एवं देवताओं के भलीभांति संतुष्ट करें, उसके संतुष्ट के बाद सभी प्राणियों का भोजन आदि उपयुक्त सामग्री की प्रदान करके सबके हृदय में विराजमान क्षेत्रज्ञ भगवान का अर्चन करें। यदि ब्राह्मण के पास धन हो तो उसे अपने धन के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में माता पिता और अब एवं आश्विन मास में महालय पर्व अर्थात अमावस्या वैदिक भाद्र वर्ष का अंतिम दिन और माता पिता के बंधुओं के उद्देश्य के साथ करना चाहिए। यहाँ पर भी लिख दिया कुर्जात आपर परीक्षण पक्षीय मासी पृष्ठ पदे दिज साधम वित्तार्थ अवितम तत्बंधुनावंच वित्तवानो। बंधु के उद्देश्य क्या करना चाहिए, साधन जिसे पितृपक्ष कहा जाता है ना, आकर के लोग श्राद्ध आदि करते हैं कब, कार्तिक महीने के पहले आश्विन मास में यहाँ पर भी कह रहे हैं श्राद्धं पितृार्थ पितृ यथार्थ वित्तं तत् बंधुनां च वित्तमानं। इसके अतिरिक्त दोनों आयन में अर्थात उत्तरायण एवं दक्षिणायन अर्थात मकर संक्रांति एवं कर्कट संक्रांति दोनों विषुव अर्थात मेष राशि की संक्रांति ये दोनों दिन जिनके दिन अर्थात रात समान रहते हैं, चंद्र सूर्य चंद्र जो कि सहस्राधिपति कोटि एवं दिन क्षय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण द्वादशी के दिन श्रवणा अनुराधा उत्तर फाल्गुनी पूर्व आषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा भाद्र नक्षत्र में अक्षय तृतीया कार्तिक शुक्ला नवमी इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। हेमंत एवं शिशिर ऋतु की चारों अष्टिका अवघन पौष माघ और फाल्गुन इन चारों महीने की कृष्ण अष्टमी माघ मास की शुक्ला पक्षीय सप्तमी और मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा प्रत्येक महीने के यह पूर्णिमा जो अपने महीने के नाम से नक्षत्र चित्र विशाखा ज्येष्ठ आदि जिसे आदि से युक्त हो द्वादशी तिथि से युक्त अनुराधा श्रवणा उत्तर फाल्गुनी उत्तर रसा और पूर्वाषाढ़ा भाद्रपद नक्षत्र उत्तर नक्षत्र के युक्त एकादशी उपवास के योग्य होने पर तो अपने जन्म नक्षत्र अथवा नक्षत्र के दिन पितरों का श्रद्ध करना चाहिए।
है? बहुत नियम बता दिया था, कौन सा नियम पालन करोगे? दम निकाल जाएगा है? पूर्वोक्त सभी जो केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं अपितु मनुष्य सभी धर्मानुष्ठान के लिए उपयोगी मंगल साधक तथा शुभवर्धक है। इन सभी काल योग में संपूर्ण प्रयत्न के साथ मंगल कार्य करनी चाहिए, इसमें ही जीवन की सफलता है। यह मंगलकारी योग में किया गया स्नान, जप, होम, व्रत, देवता और ब्राह्मण की पूजा एवं पितर देवता, मनुष्य और अन्य प्राणियों में जो कुछ समर्पण किया जाता है, उसका फल अनश्वर एवं अक्षय होता है। हे राजन, सभी प्रकार से पुत्र के पुंसवनादि संस्कार, संतान आदि, जात कर्मादि संस्कार, संयमी यज्ञ, दीक्षादि, अंत्येष्टि संस्कार तथा माता पिता के वार्षिक, संवत्सरी श्राद्ध एवं अन्यान्य मांगलिक कर्म को अवसर पर दान आदि शुभ कार्य संपन्न करने चाहिए। पिता माता मर जाने पर उनके कम से कम साल में एक बार क्या करना चाहिए? श्रद्ध करना चाहिए। होता है तुम्हारा? कब होता है? यार तो लोग पितृपक्ष में कर देते, बस एक बार ही करते सर। बंगाल में वो लोग रखते हैं, तुम्हारे पिताजी जब मर जाते हैं उसी दिन हर साल जो है उसमें करते हैं। और फिर तो पितरी में पक्ष में जी को फाल वो भी करते हैं। पंद्रह दिन में एक बार करते हैं जिस पक्ष में। श्राद्ध होना चाहिए ना है? करते हैं। पिताजी है तुम्हारा? चले गए? कब चले गए? हाँ, 1500 साल हो गए। किस महीने में चले? नहीं, महीने में तो याद रहेगा, तू तो श्राद्ध नहीं करते। साल में एक बार श्राद्ध होता है ना है? ब्राह्मण के लेकर के पूजा, विष्णु पूजा करके श्राद्ध कर देते है? इसके मतलब श्राद्ध नहीं करते? नहीं, पिताजी के लिए श्राद्ध होता है कि नहीं करता है? कब करते हैं? कार्तिक महीने में कि आश्विन के महीने में? जो हाँ उसी में करते हैं, और आगे नहीं। अच्छा चलो, ये समस्त गृहस्थ धर्म की सदाचार बता रहे हैं। पुष्कर आदि सरोवर उत्तम साधु के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम अर्थात सालग्राम क्षेत्र, नमिषारण्य, फल्गु नदी, सेतुबंध, प्रभास, कुशस्थली, द्वारका, वाराणसी, मथुरा,
पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण आश्रम, बदिकाश्रम, अलकानंद नदी, भगवान श्री राम और सीता के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र पर्वत, मलय आदि सभी कुल पर्व एवं सभी कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान श्रीहरि के अर्चा विग्रह स्थित है, हे राजन, अपने अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को बार बार उन पवित्र स्थानों का सेवन करना चाहिए है? कभी कभी ऐसे पुण्य स्थान में जाना चाहिए है? जीवन में एक बार कम से कम तो पुण्य स्थान में जाओ। कौन कौन स्थान जाओ? पवित्र नदी में स्नान करके आओ है? हे पृथ्वीनाथ, श्रेष्ठ पात्र के गुणों को जानने के, विधियों को जानने के एकमात्र श्रीहरि को सत्पात्र बतलाया है, क्योंकि ये ही चराचर जगत के एकमात्र आधार है। हे राजन, तुम्हारे राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा के प्रसंग पर देवताओं और ऋषियों को तपस्या एवं सिद्ध जन उपस्थित रहने पर भी सर्वसम्मति से श्री कृष्ण के एकमात्र सत्पात्र निर्धारित किया गया था है? भगवान नारद ऋषि के कारण तुम्हारे राजस्व यज्ञ में सभी बड़े बड़े लोग उपस्थित थे है? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऋषि तपस्या आदि अनेक उपस्थित रहने पर भी सर्वसम्मति से कृष्ण भी एकमात्र सत्पात्र निर्धारित किया गया था। राजन तत् तदग्रज पूजायां मत पात्रात् अच्युतः। असंख्य जीव से परिपूर्ण यह ब्रह्मांड कोश सुविशाल संसार वृक्ष के मूल अच्युत भगवान श्री कृष्ण ही है। उनकी पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा और अपनी भी तृप्ति हो जाती है। एकमात्र भगवान अच्युत श्री कृष्ण की पूजा करने से ही सभी को पूजा हो जाता है। भगवान मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि एवं देवता आदि शरीर रूप के रचना करने के लिए स्वयं पूर्व में अंतर्जामी रूप से इस पूर्व में सहन करते हैं, इसलिए वे पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। भगवान मनुष्य पशु पक्षी ऋषि एवं देवता आदि शरीर रूप पुरी को रचना करके स्वयं उसमें अंतर्जामी रूप में ही पूर्व में सहन करते हैं, इसलिए उसके पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। कितने पुरुष है बताओ? कर्णदुख साई, गर्भदुख साई और क्षीरदुख साई, तीन पुरुष का जन्म। अनंत ब्रह्मांड की जो मालिक जो है उसे कर्णदुख साई पुरुष कहा जाता है। एक एक ब्रह्मांड की जो मालिक जो है उसे कहा जाता है गर्भदुख साई, और समस्त जीवों के अंतर्जामी के रूप में जो रहते हैं उसे कहा जाता है गर्भ एक है क्षीरदुख साई विष्णु भगवान का है। तीन पुरुष अवतार का है। पुरुष किसलिए कह रहे हैं? न समस्त की सृष्टि करके वह शरीर रूप पुरी में, शरीर रूप पुरी के रचना करके और उसमें स्वयं अंतर्जामी के रूप में जो विश्राम करते हैं उसे पुरुष कहते हैं है? ये तीन पुरुष ये कहा गया, अर्थात स्वयं रचना करके उसमें ही वो स्वयं सो जाते हैं, रहते हैं। जैसे आप गृह निर्माण किया, गृह बनाए, घर बनाए, सोते कहाँ हैं? घर के अंदर है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार भगवान ये पूरी के निर्माण करके, देह रूपी पूरी है ये,
अयोध्या रूपी पुरी के निर्माण करके स्वयं भगवान उसमें ही शयन करते हैं। वो अंतर्जामी पुरुष के रूप में रहता है। इस शरीर के अंतर्जामी पुरुष पुरुष कौन है? कौन भगवान है? क्षेत्रज्ञ पुरुष ही होता है। क्या बोला? सभी जीवों में रहता है, एक होते हुए पर भी अनंत स्वरूप प्रकाश करके वो रहते, किसी की अचिंता है। तुम्हारे हृदय में है, मेरे हृदय में, सर्वत्र है, अंतर बाहि सर्वत्र विराजमान होते। उसके काम क्या है ना? किस लिए रहता है? खिरदोशाई ये विष्णु किस लिए रहते हैं? एक तो तुम्हारी विटनेस के रूप में, विटनेस समझते हो, साक्षी के रूप में तुम क्या करते हो, इसके रूप में रहा जाता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अंतर्जामी रूप में इस पुरी में शयन करते हैं, इसलिए उसके पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। हे राजन, भगवान सभी शरीर में नुनाधिक रूप में विराजमान रहते हैं, किंतु तात्म भाव से पशु पक्षी अपेक्षा मनुष्य में ही श्रेष्ठ प्राप्त है। और मनुष्य में भी जितने आत्मज्ञानीता अंश जितना है अधिक है, वह उतना ही श्रेष्ठ है। हे राजन, त्रेता आदि युग में जब ऋषि ने यह देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन्होंने उपासना की सिद्धि एवं भगवान की अर्चन के उद्देश्य में उनके श्री विग्रह की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा का सूत्रपाद एवं प्रचार कर दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, तभी से कितने ही लोग अत्यंत श्रद्धा एवं प्रचुर पूजा सामग्री के साथ प्रतिमा में ही भगवान श्री की पूजा करते हैं, परंतु व्यक्ति मनुष्य के प्रति देश भावना रखते हैं, वह श्री मूर्ति का सेवा करने भी परमार्थ सिद्धि प्राप्त नहीं होते। विग्रह सेवा आदि तो करते हैं, किंतु दूसरे के प्रति देश रखता है, इसलिए भगवान उनकी सेवा को ग्रहण नहीं करते। हे राजेंद्र, मनुष्य भी ब्राह्मण की भी ब्राह्मण की सत्पात्र माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण अपनी तपस्या विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान श्रीहरि के वेद रूपी शरीर को धारण करता है। ब्राह्मण के क्या समझना चाहिए? भगवान की शरीर समझना चाहिए। सद ब्राह्मण जो है हे राजन, जगदीश्वर सर्वात्मा ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्ण भी इन ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उनके पद धूलि से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। भगवान ही ब्राह्मण के भी क्या करते हैं? आदर करते हैं। नमो ब्रह्मण्यो देवाय वो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय
गोविंदायो नमो नमः है। गो और ब्राह्मण जो है भगवान के अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए गो ब्राह्मण के कभी अनादर करना नहीं चाहिए है। गाय को खिलाओ, सबको खिलाना है, थोड़ा खिला दो, घास खिला दो, ब्राह्मण के थोड़ा दान दे दो, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए है। किंतु कलयुग के ब्राह्मण और चाहिए, और चाहिए, जितना दो प्रसन्न है। बोले महाराज और दो, क्या कर रहा है? मेरा बेटी के शादी करना है। बोले तू बेटी पैदा किया, हमें थोड़ी करना है, बेटी तू पैदा किया और सन्यासी के पास आ गया दान लेने के लिए। अरे हम डर से मैं घर छोड़ दिया, फिर आ गया तुम्हारे इधर और तुम कहते हो हमारी बेटी के लिए तुम बच्चा पैदा करोगे, हम थोड़ी ऐसे कहते रहे। कलयुग की ब्राह्मण साधु के भी छोड़ेंगे नहीं, कहते नहीं साधु के पास ज्यादा पैसा है इसलिए साधु जाओ। अरे तुम साधु बन जाओ, साधु नहीं बनेंगे। कहते ब्राह्मण इसे कहते महाराज हमारी बेटी के शादी के लिए पैसा दिया, कैसे कैसे लोग होता है। गृहस्थ तो लोग साधु के देते हैं और साधु फिर वही दूसरे के बाल बच्चा पैदा करने के लिए उसके पैसा दो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, देखो ब्राह्मण के जो है निर्लोभी ब्राह्मण, उसी ब्राह्मण को दान दो जो ब्राह्मण निर्लोभी हो। निर्लोभी समझ लो जिस ब्राह्मण में लोभ नहीं, यथा लाभे संतुष्ट हो जाता, उस ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और जो ब्राह्मण केवल पैसा पैसा करते तुम्हारे पीछे दौड़ता है, समझना चाहिए उससे दूर रहो, उसे तुम संतुष्ट कर नहीं पाओ। ब्राह्मण तो कलयुग है ना, उसके तो भी साफ दिया था ना लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी एक कथा प्रसंग है, पुराण की एक कथा है, ये कई कथाएं हैं। ये लक्ष्मी देवी उनको जो है अभिशाप दे दिया, ये तुम्हारे पास नहीं रहे और तुम भिखारी बनोगे। अनेक पुराने अनेक कथा है, कई पुराण में कथा है। वो ब्राह्मण ने किया कि हवन नहीं करा करके, हवन करने के पहले ही वो भजन कर लिया था, इसलिए लक्ष्मी देवी बिगड़ गई। तो मेरा हवन में विष्णु होता है, विष्णु की जगह अगर विष्णु के घर सेवा करने चाहिए, विष्णु की सेवा नहीं करके तुम भजन कर लिया, इसलिए लक्ष्मी देवी अप्रसन्न हो गई। जाओ तुम जितने भी धनी हो तुम वो भीख मांगना ही पड़ेगा। ठीक है भिक्षा करना की हम मान इस पर नहीं मानते, कितना निर्लोभी होना चाहिए, यथा लभे संतोष, जितना मिल जाए है। इसे मतलब नहीं है आप 10 रुपया दे मारे मुझे 100 रुपया दो, 100 रुपया दो तो 1000 रुपया दो, 1000 रुपया दो 10000 रुपया दो, ब्राह्मण करते हैं ना है। तो ये क्या हुआ, ये लोभी बन जाता है, लोभी ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए वो लोभी ब्राह्मण के क्या करना चाहिए, दूर से प्रणाम कर दो, यथा लभे संतोष ये होनी चाहिए, जितना मिल जाए उतने संतुष्ट हो जाए। किंतु यदि ब्राह्मण लोभी हो तो समझना चाहिए वो ब्राह्मण ठीक नहीं है। अरे इसलिए तो निग महाराज की कथा सुनाया ना, इतना दान दिया ब्राह्मण को, दान के फल क्या क्या हुआ, गिर गिर होकर जन्म लेना पड़ा, तो फायदा दान करके फायदा क्या हुआ,
है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है सत पात्र में दान दो है। वो ब्राह्मण ठीक है, शास्त्र में कहा गया ब्राह्मण को दान देना चाहिए है, किंतु ब्राह्मण सत ब्राह्मण हो तो है, नहीं शराब पीने वाली है, इधर उधर की गलत काम करने वाले ब्राह्मण होता है, उस ब्राह्मण के दान देने इसमें कोई फायदा नहीं है। नामधारी ब्राह्मण नहीं है, यथार्थ तो ब्राह्मण के जो गुण है, ब्राह्मण कैसे, ब्राह्मण को उसमें लिखा है ना जो लक्षण जो होता है उसमें लिखा है ब्राह्मण निर्लोभी हो, जितना मिल जाए उसे संतुष्ट हो जाए। इसलिए करें नारद ऋषि कह रहे हैं हे युधिष्ठिर महाराज, धर्म तत्व को जानने वाले व्यक्ति को श्राद्ध में मांस अर्पण को भी करना नहीं चाहिए, नहीं कभी शयन खाना भी नहीं चाहिए है। बहुत लोग क्या करते हैं श्राद्ध आदि में मांस आदि देते हैं, जिसकी वजह से प्रेत श्राद्ध कहा जाता है, इधर का तो प्रेत प्रचलन नहीं है, बंगाल में ज्यादातर है ये, बंगाल में ये प्रेत श्राद्ध रहता है, है कि नहीं। पिता माता मर जाने पर श्राद्ध आदि जो करते हैं उसे मछली मछली खिलाते हैं नहीं लोगों का है, क्या करते हैं की करे बोलून, इसलिए यहाँ पर करें ये धर्म तत्व को जानने वाले व्यक्ति को श्राद्ध में मांस अर्पण कभी नहीं करना चाहिए, नहीं कभी स्वयं खाना चाहिए, भगवान स्वयं पितरों के निवारादि हविषान्न की जैसे प्रसन्न होती है ऐसी पशु हिंसा से नहीं होती है। ये ब्राह्मण लोग इसी श्लोक के उल्टा व्याख्या कर देते भागवत का है, इसी श्लोक के वो उदाहरण देते हैं, न ददामि आमिषम श्राद्धे न च अन्नम धर्म तत्विदम मन्वंतरि तथा प्रतीक्षा तथा न पशु हिंसया। जो लोग सुदुर्लभ ये जो लोग सद्धर्म पालन करने में अभिलाषा रखते हैं उनकी चाहिए कि किसी भी प्राणियों का तन मन और वचन से कष्ट न हो, कष्ट न हो, इसके बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसके तन मन अब वचन से कष्ट न दे है? निष्काम धर्म के रहस्य को जानने वाले एवं जगत तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन ज्ञान से उत्पन्न आत्मसंयमी रूपी अग्नि में कर्ममय यज्ञ का हवन कर दे, अर्थात संपूर्ण रूपे कर्मकांड से उपरत हो जाए, कर्मकांड को त्याग करो, कर्मकांड ज्ञानकांड सकल विषय भाण्ड अमृत बोलिया जे खाए कदर्ज भक्षण करे नाना जनी भ्रमी मरे है। नतम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्र कारण कर्मकांड और ज्ञान कांड क्या है, ये विष के भांड कहा है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड है। अमृत बलिया जे खाए इसको अमृत सोचते है, नाना जनी भ्रमी मरे। इस प्रकार कर्मकांड ज्ञान कांड के द्वारा जीव अनेकों जन्म जन्मांतर में वो भुगते रहते है। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड अमृत बोलिया जे खाए नाना जनी भ्रमी मरे
इस प्रकार नाना जनी माने नीच जनी में उसको जाना पड़ता है। इसलिए कर्मकांड और ज्ञान कांड से विरत रहे, दूर रहे। ये श्लोक नंबर है 7 सप्तम अध्याय 15 परिच्छेद और श्लोक नंबर 9 कहा गया, श्लोक नंबर 9 है। एके कर्मम आन जग्गान ज्ञानिनो जग्ग वित्तमा आत्म संयम अन्य अनिहा जुहति ज्ञान दीपिते। निष्काम धर्म के रहस्य को जानने वाले एवं जग्ग तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन ज्ञान से उत्पन्न आत्म संयम रूपी अग्नि में कर्ममय जग्ग का हवन कर दे, अर्थात ये संपूर्ण कर्म, ये संपूर्ण कर्म कांड से उपरत हो जाते हैं। कर्मकांड को त्याग देने के लिए कहा गया बस। जब कोई पशु पुरादि द्रव्य से यज्ञ करता है तब उस पुरुष को देखकर सारे प्राणी भयभीत होकर सोचने लगते हैं कि यह धर्म के अनभिज्ञ निर्दयी मूर्ख और अपने प्राणियों का पोषण करने वाले यजमान किंचित ही मुझे मार डालेगा। अतः धर्मज्ञ व्यक्ति को किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। प्रारब्धवश मुनिजनोचित जो कुछ भी विषान्न प्राप्त हो जाए उसी से ही अपने नित्य निमित्त कर्म का निर्वाह करने का संतुष्ट करना चाहिए। नित्य निमित्त कर्म आदि है, इतना ही करे जिससे सभी संतुष्ट हो। अधर्म रूपी वृक्ष के 5 शाखाएं हैं, विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल धर्म। धर्मज्ञ व्यक्ति को उन्हें अधर्म के समान निषिद्ध समझकर त्याग देना चाहिए। धर्मज्ञ व्यक्ति को उन्हें अधर्म के समान निषिद्ध समझकर त्याग देना चाहिए। धर्म बुद्धि से किए जाने पर भी जिसने अपने धर्म के बाधा आती है उसे विधर्म कहते हैं। अभी जो कह रहे हैं विधर्म किसको कहा जाता है? धर्म बुद्धि से किए जाने पर भी जिससे अपने धर्म की बाधा आती है उसे विधर्म कहते हैं। जो किसी की अन्न के द्वारा अन्न पुरुष के दिए लिए धार्मिक नियम का प्रारंभ किया जाता है, जैसे आजकल देखा जाता है वह परधर्म अर्थात स्वयं को धार्मिक दिखाने के लिए जटा भस्म आदि धारण करना अर्थात पाषंड और दंभ का प्रदर्शन उपधर्म है। शास्त्र में निर्देशों की अन्य प्रकार के व्याख्या करना छल धर्म है। इस समस्त धर्म का त्याग दो, छल धर्म परधर्म ये सब त्याग देना चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या करे, न धर्मं न धर्मं श्रुति कथन निरुक्तं किल कुरु राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या निहत। न धर्मं न अधर्मं, धर्म भी करना चाहिए नहीं चाहिए और अधर्म भी करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? वेद शास्त्र में जो कहा गया एकमात्र राधा गोविंद की उपासना करो, न धर्म नृत्यम किलो करो, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या न्यो। ब्रज में रह करके क्या करो, राधा कृष्ण की ही प्रचुर सेवा करो,
ये सर्वोत्तम है। इसलिए जो आप बता रहे हैं, एक किसको कहते हैं धर्मो धर्म धर्मो अधर्मो विधर्मो पराधर्मो आभास, ये समस्त दंभ अखंडता ये समस्त त्याग देना चाहिए। देखो वर्णाश्रम धर्म में भिन्न अपने अपने लोग अपने अपने रुचि के अनुसार है किसी को धर्म मान लेते हैं, वास्तव में धर्म नहीं है। अनेक लोग जो है अपने अपने रुचि के अनुसार अपने अपने अपने, इसलिए कहते हैं पृथ्वी ते जत कथा धर्म न में चले भागवत कहे तार परिपूर्ण छले। पृथ्वी ते जत कथा धर्म नामे चले, आज पृथ्वी में अनेकों लोग अनेक धर्म करते हैं, पूजा लगा देते हैं, बस हर रोज कहीं ना कहीं पूजा लगा देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा दो और करके क्या करते हैं, रात्रि जापन करते हैं और शराब पीते हैं, गाना गाना क्या बोले डिस्को डांस करते हैं और वो बोले यही धर्म है। देखा नहीं, यहाँ पर शुरू हो जाता है नवरात्रि में क्या करते रहते हैं, देवी जागरण करते रहते हैं, पैसे इकट्ठा करके बस लोगों के पैसा को क्या करते हैं, वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए ये समस्त छल धर्म कहा गया है। इसलिए कहते हैं मनुष्य अपने वर्णाश्रम में भिन्न भिन्न अपनी रुचि एवं स्वभाव के अनुसार जिसे अधर्म मान ले धर्म मान लेता है वो आभास है। अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार किए जाने वाले धार्मिक कार्य भला किसी के दुखों का विनाश नहीं करते, ये जितने भी कहते जा रहे हैं सबके मूल क्या है, एकमात्र एक धर्म ही पालन करो, वो तो कौन सा है, भगवान श्री हरि की ही उपासना करो, ये अंत में कहे है। इसलिए कहता है बहुत लोग देव देवी के पूजा व धर्म आदि के नार से वरनाम लेकर के अनेकों अर्थ आदि संग्रह कर लेते हैं, अपने परिवार पोषण आदि करते रहते हैं और ना जाने क्या करते हैं, असत कार्य भी करते रहते हैं, है कि नहीं, है? पैसा कमाना है तो बस इसी लोक में लग जाते हैं। सबसे पैसा कहाँ से मिलेगा, व्यवसाय वाणिज्य करके आपको पैसा नहीं मिलेगा, जितने पैसा मिलेगा ये सब पाखंड धर्म आदि के द्वारा, है कि नहीं, लोग उसमें दान दिए थे है? बात दिखा दे, और भी लोग करते हैं कितने पैसा लोगों से ले लेते हैं, ठगा देते हैं, जैसे कोरोना के महत में कितने लोग कितने पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, हाँ समझे, जो जैसे मन चाहे कर देते हैं बस, मैं गो सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा सा घास लेकर के गाय को खिला दिया और फोटो दिखा करके बस लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? ना जाने कितने कितने थोड़ा सा लोगों के दो चार लोगों के खिला करके फोटो उठा करके बस लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, ये कोरोना आकर के लोगों के ना जाने कितने विपदगामी कर दिया, एक तो लोग मर रहे हैं और दूसरी लोग पाप भी करते जा रहे हैं। आसन सरकार से हो जैसे भी हो लोग पैसे इकट्ठा कर दे जाए, हाँ करते हैं कि नहीं, देखो
यहाँ तो बड़े बड़े राजनेता भी इसमें भी सब लग जाते हैं, हैं सरकार से जो आते हैं, तेल दाल चावल आते हैं, चावल आते हैं ना, सबको क्या भी करते हैं, एक चोरी कर लग देते हैं। भगवान की लीला समझना बहुत कठिन होता है। अच्छा बात ये सही है कि नहीं बताओ, लोग दान देते जा रहे हैं, कर्जा देते जा रहे, एक लोग भावना से, कुछ कुछ लोग भावना से दे रहे हैं, चलो लोग खाने के नहीं मिल रहा है खिलाते, और एक व्यक्ति क्या करते हैं उस अन्न को छीन देते, और सरकार से करोड़ करोड़ रुपया आ जाते, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे दिया, उस पैसे को अपने पास दो चार पैसा थोड़ा दे करके, और सारे पैसा ये लोग अपने जेब में रख लेते हैं, आज हम बस तक ही होता है, कितने कितने कहा क्या करते हैं। वास्तव लोग भी दुखी है, उनके मिलता नहीं है, और एक प्रकार के लोग इसे अपने मुनाफा लूटते हैं। जैसे भागवत में कह रहे हैं ये सब छल धर्म है, इसलिए कह रहे हैं धर्म अधर्म विधर्म छल धर्म, इसी में लोग लगे रहते, फल तो कुछ नहीं है, फिर उसके चुकाने के लिए फिर उसे जन्म लेना पड़ता, आता रहता है, है? कहाँ जाएगी वो, है? एक दूसरे के ठगा करके जो पैसा लेते हैं वो सोच रहे थे मैं माले माल हो गया, है? किंतु उसके चुकाने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा, कितने दुर्भागा है, है? मैं ये एक सत्य घटना कहता हूँ, इसी अमर उजाला में आज से बहुत साल पहले एक बार अमर उजाला में निकला था, दो मित्र जो है कहीं जा रहे थे, बहुत घनिष्ठ मित्र है, एक दूसरे इतने विश्वास रखने वाले हैं, एकात्मा जैसे रहते, तो रास्ते में चलते चलते एक जगह में लटरी खरीद लिया, 10 रुपए के लटरी था वो, तो ये मित्र ने 5 रुपए दिया, उस मित्र ने 5 रुपए दिया, 10 रुपए के द्वारा ये लटरी खरीद ली, लटरी खरीद लिया तो 1 लाख रुपए मिल गया, है? देखो दोनों मित्र बहुत प्रसन्न हो गए, बोले 50-50 आप रुपये हम बांट लेते हैं, है? तो समय हो गया, रात्रि हो गया, उनके कैसे मिल गया, कितने मिला 50-50 हजार रुपये, वाह, 5 रुपये में 50 हजार रुपये, तो दोनों मित्र क्या करने लगे, बोले आज कहाँ कहीं नहीं जाएंगे, एक होटल में उठ रहा, रात तो हो गया, कहीं पैसा है कोई छीन ना ले, किसी गंदा लग जाए, सुराग लग जाए, इसलिए वो दोनों क्या करने लगे, एक होटल में जाकर के रहा, आज होटल में रहेंगे, काल प्रातः काल में हम चले जाएंगे, देखो उनके पास खाने की कुछ नहीं थे, अब एक मित्र बोले चलो आप यहाँ पर रहो, मैं कुछ बाजार से जाए खरीद करके लाता हूँ, ऐसे चले गए, देखो बुद्धि कैसे हो गया, कभी कभी बुद्धि भी ऐसे ही हो गया, दुर्बुद्धि हो गया, वो विचार करने लगे, देखो इसके पास 50 हजार है, मेरे पास है, मैं क्यों पूरा क्यों नहीं ले लूं, इसको किसी प्रकार से मार दिया जाए, इसलिए वो बाजार से किए कि सामान तो थोड़ी सी खरीदा और खरीद के उसमें 20 मिला दी, है? अपने मित्र के बोले खाना खा लो सो जा, है? खाना खा लिया उसमें तो 20 मिला दी, उसको पता नहीं था, और भी सारा रात उसकी वो हैजा होने लगी, पैखाना पेशाब होने लगा, डॉक्टर फिर वो मर गया,
डॉक्टर ने कहा भाई ये खाना खाया था ना, इसमें क्या हो गया, फूड इन्फेक्शन हो गया, आज नहीं डॉक्टर सर्टिफिकेट। और उसे क्या कितना मिले, उसे 50,000 रुपया, 50 अपना 50 और उनसे 50 तो ले, उसे पता ही नहीं था, 1,00,000 रुपया लगे। घर में आया और घर में आकर उनके मित्र के बेटा बेटी जो कहा रोने लगे ऊपर से, बोले क्या करूं, जाओ तुम्हारे पिताजी के संस्कार के लिए मैं कितना दे रहा हूं, 10,000 रुपया दे रहा हूं। तो कितना रख लिया उनके, 40,000, अपने अपने 50,000 रख लिया। तो उसके कहने लगे हाँ मेरे पिताजी के मित्र कितना महान है, हैं, और देखो इतने कठिन पैसा को जो है वो 10,000 रुपया हमें, उसके पता नहीं था कहाँ से दिया, करते हैं ना लोग अच्छा है, अच्छा चलो। वो व्यक्ति ने क्या कि 90,000 रुपया को फिर वो बिजनेस अपने बिजनेस में लगाया, करते करते वो करोड़पति बन गया, किसी को पता नहीं। ऐसे करते करते 20 साल 22 साल चला गया, बहुत अट्टालिका धन संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। उनके एक बेटा है, बेटा बड़ा भी हो गया, लिखा पढ़ा सीखा अच्छी है। तो उन्होंने क्या कि बेटा के शादी के लिए व्यवस्था भी कर दिया, सब हो गया। जिस दिन शादी होने पर उसके अगले दिन बेटा के पेट में दर्द होने लगे, डॉक्टर देखा कुछ नहीं, इलाज नहीं, मरने वाला है, सारे दवाई दे दिया कुछ नहीं, डॉक्टर रिफर कर दिया, जाओ उसके दुबई में ले जाओ। फ्लाइट से उसके दुबई ले गए, उसकी भी चिकित्सा किया, 1 साल चिकित्सा किया, कुछ फायदा नहीं, और सारे संपत्ति बेचते जा रहे हैं। बिजनेस तो चला गया, ठप हो गया, और जितने भी पैसे इकट्ठा किया था सारे पैसा क्या हो गया, सब तो बेटा की सेवा में लग गया सर। और देखा तो कुछ नहीं हो रहा है। वहीं पर दुबई के डॉक्टर भी कह दिया भाई ये तुम्हें ले जाओ अपने विदेश, अपने भारतवर्ष में ले जाओ, ये बचेगा नहीं। तो वो रो रहा था क्या करें, मेरा एक ही बेटा है, मैंने कौन सा कर्म की, होता ना सभी लोग मृत्यु के अंत के समय ये सोचता है मैंने कौन सा कर्म किया, हमारे ऐसे भुगता रहे हैं। बेटा की बेटा तो सोए है बेड पर सोए हुए, और उसके सिरहाने पर पिताजी बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं कि मैंने कौन सा कर्म किया। वो तो कितने साल हो गए, 10-20-22 साल हो गए, उसके याद नहीं है, जो अपने मित्र को फूड पॉइजन देकर के मार दिया, मैंने बीज देकर के मार दिया, और उसी के जो पैसा से आप ये इतने बोले, और रो रहा मेरा कौन सा कर्म मैंने किया, मेरा एक लौता बेटा मर गया, क्या करे, रो रहा था, सिर पर हाथ रख करके रो रहा है। सारे उनकी संपत्ति क्या हो गया, सब खो गया, माने बेटा के पीछे ही सब लगा दी है। ऐसा डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के काम भी पैसा लेना है, कोई जरूरत नहीं है ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, डॉक्टर जानते हैं कोई टेस्ट की जरूरत होते हैं हम तो पकड़ लेते हैं दवाई, तथापि जो है वो टेस्ट करो उसके पैसा निकालते रहते हैं, और सारी एक दूसरे से वो उसके क्या रहता है, कनेक्शन रहता है, और उससे क्या मिलता है उसके कमीशन मिल जाता है। तुम लैब में जाओगे ना खून टेस्ट करने के, बोले वो डॉक्टर कौन डॉक्टर किया, उस डॉक्टर के लिए ना फिर उस डॉक्टर के वो कुछ परसेंटेज दे देता, ये तुम्हें थोड़ी पता है, वो डॉक्टर भी कह देगा जाओ, डॉक्टर जानते हैं इसके खून टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों तथापि वो कर दे, नहीं लैब कैसे चलेगी उसको, ये समझते हैं सब एक दूसरे के साथ। लैब वाला भी उसको डॉक्टर कहते भाई तुम्हारे पेशेंट हमारे पास आ जाए तो तुमको मैं 10% दे देंगे, तो उसके साथ वो जिस जगह जाते उसी का है। अच्छा चलो, उसके सारे पैसे खर्च हो गए, निर्धन हो गया, पिताजी
बेटा की सेना पर बैठ करके चिंता करे मैं क्या करूं जीवन, बेटा के लिए मैं सारी संपत्ति खो दी और बेटा भी तो चलो चला गया, चल गया तो बेटा मरने वाले हैं, डॉक्टर ने कहा दे इसको ले जा कोई काम का नहीं। एंड हाँ समझे, इतने समय रात गंभीर हो गया, 12-1 बज गया, इतने से बेटा खड़ा हो गया बेड से, खड़े होकर के लिए पिताजी क्या चिंतन कर रहे हो, बोले बेटा तू ठीक हो ना, हाँ पिताजी मैं ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। पिताजी रोने लगे, हाय हाय तेरे लिए मैंने सारी संपत्ति को खो दिया, बेटा तू ठीक रहे चल कम से कम घर। अरे पिताजी याद है कितने साल, आज से 30 साल पहले अपने मित्र को जो है आपको इतना पैसा मिला था है? और मित्र से पैसा हड़पने के लिए मित्र के क्या की, 20 दिया है? लोग दिखाने के लिए 10,000 रुपया मित्र के परिवार को दिया था, और सारे पैसे को उसी पैसे को आप है बिजनेस करके इतना, और उसी पैसा हमारे पास आ गया। अरे बेटा क्या बात है, बोले सारे ऋण से ले ऋण हो गया, मेरा ऋण मुक्त हो गया, तुम जाओ। मतलब क्या है, तुम जो असत कर्म के द्वारा जो पैसे कमाए मैं वही लेकर के जा रहा हूं, समझ में? माने तुम्हारे सारे पैसा जो गलत काम से अर्जन किया इकट्ठा किया था आज हमारे पास आ गया। ऐसे करे फिर बेटा बिस्तर पर लेट गए और प्राण छोड़ दिया, बोलो वो यही होता है, हजारों उदाहरण है। इसके कहते कर्म चक्र है और कुछ नहीं, वो डॉक्टर कहे कुछ भी कहे है, अब एक दूसरे के साथ नाजरी कहीं कहीं कनेक्शन है ही है, ये कर्म चक्र होता है। इसमें भागवत में ऐसी कहती जा रही है, इसलिए नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज इस संसार के लोग इसी प्रकार एक दूसरे से ठगाते हैं और अंत में छोड़ करके चले जाते हैं, कुछ नहीं कर नहीं पाओगे तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं भागवत में, यहां पर कह रहे हैं इस समस्त अनर्थ को विषय को त्याग दे करके एकमात्र भगवान श्री हरि की ही आराधना करें, यही कहते जा रहे हैं। इस संसार में सब तुम्हारे ऋण चुकाने के लिए आ जाते हैं, तुमने ऋण क्या वो पति कहे बेटा कहे बेटी कहे, जिससे जितना आपने ऋण लिया था वही ऋण चुका करके तब हो जाएगा, नहीं जाएगा नहीं है, यही बात। और उतने समय तक तुम्हारे ऋण चुक जाएगा वो भी चला जाएगा है? इसलिए कह रहे हैं सत्वगुण से रजोगुण एवं तमोगुण और उपशम द्वारा सुख की आसक्ति और सत्वगुण पर विजय प्राप्त कर लेते लेना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति से साधक अनायासी ये समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ये सारे दोष क्या थे, गुरु सेवा के द्वारा ही वो मुक्त हो जाते हैं। जस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मत्सा सद्वि सुतंतस्य सर्व कुंजर शौचवत। हृदय में ज्ञान दीप को प्रज्वलित करने वाले श्री गुरुदेव साक्षात भगवान की स्वरूप है। गुरु को जो मरणशील मनुष्य समझना समझता है वह उनकी दुर्बुद्धि है। उसका समस्त शास्त्र अध्ययन हाथी के स्नान के यानी
सूचव यथा कुंजर सूचवध हो जाता है अर्थात व्यर्थ होता है, है? चलो यहाँ पर है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बहुत वार्तालाप करेंगे नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज के, ये समस्त सारी कथा सुनाया है? अच्छा करो एकादशी है, अपने स्वभाव के अनुसार धर्म और सत्य, जैसे कि ब्राह्मण स्वभाव है, ब्राह्मण स्वभाव को छोड़ करके यदि क्षत्रिय स्वभाव में जाए पराधर्म हो जाता है। क्षत्रिय स्वभाव है ब्राह्मण धर्म के आसन करते साधारण निधन श्रेय पराधर्म भयावह। यहाँ पर जो धर्म करे ये धर्म क्या है, इसमें तो जागृत धर्म की बात है। स्वभाव क्या है, क्षत्रिय स्वभाव है कि वैश्य स्वभाव है, उस स्वभाव में पराधर्म की भगवत अनुष्ठान आदि करे। इसलिए कहता है ब्राह्मण के स्वभाव क्या है, ब्राह्मण क्या करेंगे, पूजा करेंगे, क्षत्रिय देश रक्षा आदि करेंगे। क्षत्रिय यदि पूजा करने के लिए जाए तो परधर्म पर चले जाते हैं। क्षत्रिय के धर्म क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय टू प्रोटेक्ट द again we are coming online for Tulsi Aarti।